टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू ट्राइंगुलर फजी नंबर्स. द डेफिनेशन इज लेट ए टिल्डा इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन एंड बी टिल्डा इज इक्वल टू ए टू बी टू सी टू बी टू ट्राइंगुलर फजी नंबर्स. देन दियर सब्ट्रैक्शन इज डिफाइंड एज ए टिल्डा माइनस बी टिल्डा इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन माइनस ए टू बी टू सी टू विच इज इक्वल टू ए वन माइनस सी टू b1 minus b2 c1 minus a2. Let's see an example that we have a tilde is equal to 4 7 8 and b tilde is 2 3 5. Then a tilde minus b tilde is 4 7 8 minus 2, 3, 5, which can be written as 4, 7, 8 plus negative of this number is minus 5, minus 3, and minus 2, which is equal to, which can be written as a tilde plus minus b tilde, which is equal to 4 minus 5, 7 minus 3, and 8 minus 2, which is equal to minus 1, 4, and 6. अगर हम इसको graphically view करना चाहें तो हमारे पास ये a tilde का graph है, ये बी टिल्डा का ग्राफ है और यहाँ पे हमने ये ग्राफ जो है ये इकट्ठे बना दिए हैं. ये हमारे पास जो ब्लू है ये बी टिल्डा है, ब्लैक जो है ये ए टिल्डा है, और ये रेड कलर में जो है ये ए टिल्डा माइनस बी टिल्डा का ग्राफ है. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्राइंगुलर फजी नंबर्स को डिफरेंट वे से डिफाइन कर सकते हैं. ये एक और डेफिनेशन है मल्टीप्लिकेशन की. Let A tilde is equal to A1 B1 C1 and B tilde is equal to A2 B2 C2 be two triangular fuzzy numbers, then their multiplication is defined as A tilde times B tilde is equal to A1 B1 C1 times A2 B2 C2 is equal to A1 A2 B1 B2 C1 C2. इसमें हम क्या करते हैं, हम इन नंबर्स का प्रोडक्ट लिखते हैं A1 A2 B1, B2 and C1, C2. अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं. लेट A tilde is equal to 2, 3, 5 and B tilde is equal to 3, 4, 7. So A tilde times B tilde is equal to 2, 3, 5 times 3, 4, 7, which is equal to 2 into 3, 6, 3 into 4, 12, and 5 into 7, 35. अगर हम इसको graphically visualize करते हैं तो ये हमारे पास A tilde का ग्राफ है जो ब्लैक में है, ब्लू में जो है ये B tilde का ग्राफ है. यहाँ पे देखें हमने ये इकट्ठे बनाए हैं, ये A tilde है ब्लैक वाला, ब्लू में B tilde, और ये रेड जो है ये इसका प्रोडक्ट है, ये A tilde times B tilde का ग्राफ है. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक ट्राइंगुलर फजी नंबर है म्यू A tilde of x which is equal to 0 when x is less than a1, x minus a1 over a2 minus a1, 1, x is between a1 and a2, a3 minus x over a3 minus 2 when x is between a2 and a3, and 0 when x is greater than a3. इसका हम अल्फा कट फाइंड करेंगे. अल्फा कट में हम क्या करते हैं, एक हम लाइन ड्रा करते हैं. यहाँ पे हमने ये जो वैल्यू है ये हमारे पास अल्फा है, यहाँ पे ये पॉइंट्स आए हैं, ये लाइन और ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये जो हमारे पास लाइन है ये x माइनस ए वन ओवर ए टू माइनस ए वन की है, और ये जो लाइन है ये ए थ्री माइनस एक्स ओवर
थ्री माइनस ए टू इसकी लाइन है। अब हम ये पॉइंट्स फाइंड करेंगे, ये पॉइंट्स क्या हैं और इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यूज हैं, ये हमारे पास लेट सपोज के अल्फा वन है, ये अल्फा टू है, और ये जो इंटरवल है इसको हम कहते हैं अल्फा कट, यानी ये अल्फा। अब हम पुट करेंगे अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन ओवर ए टू माइनस ए वन। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये लाइन और ये दोनों बराबर होंगे, यानी कि अल्फा और ये बराबर होंगे, तो इसको हम फॉर एक्स सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा इंटू ए टू माइनस ए वन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वन, और यहाँ से हमारे पास एक्स आया ए वन प्लस अल्फा इंटू ए टू माइनस ए वन। हमारे पास एक ये वैल्यू आ गई है अल्फा वन की, ये इक्वल टू अल्फा वन है। इसी तरह हम ये वैल्यू फाइंड करेंगे इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा, और ये दोनों इक्वल हैं तो उसका एक्स फाइंड करेंगे, वो अल्फा टू होगा। अल्फा इज इक्वल टू ए थ्री माइनस एक्स ओवर ए थ्री माइनस ए टू, तो यहाँ से हमारे पास आया ए थ्री माइनस ए टू और अल्फा इज इक्वल टू ए थ्री माइनस एक्स। अब ये एक्स को उधर ले जाएंगे और ये सारी टर्म को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा एक्स इज इक्वल टू ए थ्री माइनस अल्फा टाइम ए थ्री माइनस ए टू। एक हमारे पास ये वैल्यू आई है और ये है इक्वल टू अल्फा टू। यहाँ पे एक चीज नोट करें, अल्फा बिलोंग टू जीरो वन इंटरवल है, ये यहाँ से यहाँ तक कोई भी होगा, और हमारे पास जो ए अल्फा है, अल्फा कट जो हम कहते हैं, ये इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू इंटरवल है, तो यहाँ से हमारे पास ए अल्फा आया इक्वल टू अल्फा वन अल्फा टू इंटरवल, और यहाँ पे अल्फा वन की वैल्यू हमारे पास ये है ए वन प्लस अल्फा टाइम ए टू माइनस ए वन, और अल्फा टू की वैल्यू ये है ए थ्री माइनस अल्फा टाइम ए थ्री माइनस ए टू। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। डेट हमारे पास एक ट्राइंगुलर फजी नंबर है ये वाला, इसको हम लिखने में ये भी लिख सकते हैं ए टिल्डा इज इक्वल टू थ्री फाइव एंड सेवन। अब इसका अल्फा कट हमने फाइंड करना है, हम तीन अल्फा कट की वैल्यूज फाइंड करेंगे, एक छोटा सा रिजल्ट है वो भी नोट करेंगे। हम लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 0.2 0.5 एंड 0.8, ये तीन वैल्यूज फाइंड करेंगे। ये ऑलमोस्ट हमारे पास एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये हमारे पास है 0.2, ये है 0.5 एंड ये है 0.8। ए 0.2 फाइंड करेंगे विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये हमारे पास ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है। अगर हम ए वन ए टू ए थ्री की टर्म में बात करें तो ये हमारे पास जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास इंटरवल आ जाएंगे, ये आएगा 3 प्लस 0.2 इंटू 5 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस 0.2 इंटू 7 माइनस 5। इसी तरह ए 0.5 है, ये बनेगा 3 प्लस 0.5 इंटू 5 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस 0.5 इंटू 7 माइनस 5। और इसी तरह ए 0.8 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.8 इंटू 5 माइनस 3 कॉमा 7 माइनस 0.8 इंटू 7 माइनस 5। ये हमारे पास वैल्यू आएगी 3.4 एंड 6.6। ये वैल्यू है 4 एंड 6 एंड ये वैल्यू है 4.6 एंड 5.4। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी है, ये देखें हमारे पास ये जो इंटरवल है अल्फा 0.2 के लिए 3.4 टू 6.6, और ये जो इंटरवल है 4 टू 6, और ये 0.8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है 4.6 टू 5.4। जब अल्फा हमारे पास बढ़ता जा रहा है ये इंटरवल छोटा होता जा रहा है। सो यहाँ पे हमने नोट किया ए 0.2 जो इंटरवल है ये बड़ा है ए 0.5 से, और ये बड़ा है ए 0.8 से,
जब हमारे पास अल्फा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, हमारे पास जो कॉरस्पॉन्डिंग इंटरवल है वो छोटा होता जा रहा है। इसको हम इस तरह करेंगे कि इफ़ वी हैव टू अल्फा कट्स, ए अल्फा एंड ए अल्फा डैश, एंड अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू अल्फा डैश, देन ए अल्फा इज सुपर सेट ऑफ ए अल्फा डैश। या फिर हम ये कह सकते हैं ए अल्फा डैश इज कंटेन्ड इन ए अल्फा। डियर स्टूडेंट्स, ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर्स की डेफिनेशन देखते हैं, ये किस तरह के नंबर होते हैं। अ फजी नंबर रिप्रेजेंटेड विद द फोर पॉइंट्स, फोर पॉइंट्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज कॉल्ड ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर। इट इज डिफाइंड एज फॉलोज, इस तरह हम इसको लिखते हैं, ए टिल्डे इज इक्वल टू ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में नंबर हैं। दिस फजी नंबर इज इंटरप्रेटेड एज फजी नंबर्स, ये देखें, ये इसकी जो मेम्बरशिप वैल्यू है इस तरह डिफाइन करते हैं, म्यू ए टिल्डा ऑफ x इज इक्वल टू जीरो फॉर x लेस देन ए वन, एक्स माइनस ए वन ओवर ए टू माइनस ए वन वैन एक्स इज बिटवीन ए वन एंड ए टू, वन फॉर x इज बिटवीन ए टू एंड ए थ्री, ए फोर माइनस एक्स ओवर ए फोर माइनस ए थ्री वैन एक्स इज बिटवीन ए थ्री एंड ए फोर, एंड जीरो फॉर x ग्रेटर देन ए फोर। ग्राफिकली यहाँ से देखें, हमारे पास ये ए वन से लेस के लिए जीरो है, और फिर ए वन से ए टू के लिए हमारे पास ये लाइन है, ए टू से ए थ्री के लिए वन है, और ए थ्री से ए फोर के लिए ये लाइन है, और ए फोर से आगे जीरो है। और यहाँ पे देखें, ये जो लाइन है ये हमारे पास है एक्स माइनस ए वन ओवर ए टू माइनस ए वन की, और यहाँ पे ये वैल्यू वन है, और इसके आगे ये जो लाइन है ये हमारे पास है ए फोर माइनस एक्स ओवर ए फोर माइनस ए थ्री, और यहाँ पे ये जीरो है। तो ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, इसके लिए ये मेंबरशिप फंक्शन यूज होता है, और इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कि ये इस तरह की मेंबरशिप वाला फजी नंबर है, और ग्राफिकली इसको इस तरह बनाते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे ए टू जो है इसको हम ए थ्री के बराबर ले लें, तो ये ट्रैपेज़ॉइडल नंबर जो है ट्रायंगुलर नंबर बन जाता है। फॉर ए टू इज इक्वल टू ए थ्री, ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर्स बिकम ट्रायंगुलर फजी नंबर्स। जब हम ए टू ए थ्री को बराबर लेंगे तो या तो ये यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो ये अगर यहाँ पे है तो ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ से आएगी ऐसे, तो ये हमारा जो है ये इस तरह का ट्रायंगुलर फजी नंबर बन जाएगा, ये जो मैं ट्रेस कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक इज एडिशन ऑफ टू ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर्स। इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे, लेट ए टिल्डा इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन डी वन, एंड बी टिल्डा इज इक्वल टू ए टू बी टू सी टू डी टू, बी टू ट्रैपेज़ॉइडल फजी नंबर्स। देन दियर एडिशन इज डिफाइंड एज ए टिल्डा प्लस बी टिल्डा इज इक्वल टू ए वन बी वन सी वन डी वन प्लस ए टू बी टू सी टू डी टू इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू। यहाँ पे देखें, हमने ये फर्स्ट जो एंट्री है ये फर्स्ट से ऐड कर दिया, बी वन प्लस बी टू सेकेंड वाली को सेकेंड में ऐड कर दिया, सी वन प्लस सी टू थर्ड एंट्री को थर्ड में ऐड कर दिया, डी वन प्लस डी टू फोर्थ एंट्री को फोर्थ में ऐड कर दिया। इसको हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, अगर हमारे पास ए टिल्डा इज इक्वल टू है टू फोर फाइव एंड नाइन, एंड बी टिल्डा इज थ्री फाइव सेवन एंड एट, देन दियर एडिशन इज ए टिल्डा प्लस बी टिल्डा इज इक्वल टू टू फोर फाइव नाइन प्लस थ्री फाइव सेवन एट इज इक्वल टू टू प्लस थ्री फोर प्लस फाइव, ये फोर और ये फाइव, फाइव प्लस सेवन एंड नाइन प्लस एट विच इज इक्वल टू सेवन नाइन ट्वेल्व एंड सेवनटीन। ग्राफिकली देखें तो फजी नंबर ए टिल्डा जो है टू फोर फाइव नाइन वो इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, टू ये फोर पे फाइव पे और ये नाइन, और इसी तरह बी टिल्डा जो है थ्री फाइव सेवन एट, थ्री ये इसकी गर्लफ्रेंडिंग फाइव, इसकी गर्लफ्रेंडिंग सेवन और ये एट, इसको ऐड करें तो ये बनेगा फाइव
और ये 9 और ये 12 और ये 17। अगर इन तीनों ग्राफ्स को कंबाइन लिखें तो ये ब्लू वाला जो है ये ए है, ए टिल्डा, और ये डॉटेड वाला जो है ये बी टिल्डा है, और ये जो है ये ए प्लस बी टिल्डा, ए टिल्डा प्लस बी टिल्डा। अगर हम इसी चीज को मेंबरशिप फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ए टिल्डा इज इक्वल टू 2459 को हम लिखेंगे 0 व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2 ओवर 4 माइनस 2 व्हेन एक्स इज बिटवीन 4 एंड 2, 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 4 एंड 5, 9 माइनस एक्स ओवर 9 माइनस 5 व्हेन एक्स इज बिटवीन 5 एंड 9, एंड 0 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 9। इसी तरह बी टिल्डा इज इक्वल टू 2378, इसके मेंबरशिप फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो बी टिल्डा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन इट इज लेस देन 3 आर ग्रेटर देन 8, एक्स माइनस 3 ओवर 5 माइनस 3 व्हेन एक्स बिटवीन 3 एंड 9, 1 व्हेन एक्स इज बिटवीन 5 एंड 7, एंड 8 माइनस एक्स ओवर 8 माइनस 7 व्हेन एक्स इज बिटवीन 7 एंड 8, एंड ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 when x is less than 5 and x is greater than 17. Otherwise, it is x minus 5 over 9 minus 5 when x is between 5 and 9, 1 when x is between 9 and 12, 17 minus x over 17 minus 12 when x is between 12 and 17. यहाँ पे देखें जब हम ऐड करते हैं तो इस 2 को इस 3 में ऐड करेंगे तो ये 5 आएगा, इस 4 को इस 5 में ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इस 4 को इस 5 में ऐड किया तो 9, इस 5 को इस 7 में ऐड किया तो 12, फिर ये 5 ये 7 ऐड करके 12, फिर ये 9 प्लस 8 17, और ये 9 प्लस 8 17। इसके मुताबिक ये जो फंक्शन है ये चेंज हो जाएंगे, x माइनस 2 x माइनस 3 तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, 4 माइनस 2 और 5 माइनस 3 ये 9 माइनस 5 हो गया। इसी तरह 9 माइनस x 8 माइनस x 17 माइनस x हो गया, और 9 माइनस 5 8 माइनस 7 17 माइनस 12 हो गया। इस तरह भी इसको देख सकते हैं।